अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में और आज की लेंगे 27 मार्च बुधवार की बड़ी खबरों की अपडेट्स। ठीक है दोस्तों, आज की लेटेस्ट अपडेट्स क्या क्या है, आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज क्या है, सब कुछ आज हम दोस्तों जानने वाले ठीक है इस वीडियो के दौरान। तो दोस्तों सबसे पहले सबसे बड़ी खबर जो आपको पता ही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती कट ऑफ मैटर का रिजर्व आदेश 29 मार्च को सुबह 10:15 बजे। ठीक है, तो दोस्तों जो आपका रिजर्व हो चुका है ऑर्डर, वो आपको 29 मार्च को सुबह 10:15 बजे आपका ऑर्डर सुनाया जा सकता है। तो दोस्तों ये आपकी सबसे बड़ी न्यूज है। तो आप लोगों को कल रात जैसा पता चल चुका है। उसके बाद दोस्तों दूसरी बड़ी खबर क्या है, 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द कराने वाले केस की सुनवाई का ऑर्डर आया 4 अप्रैल अगली तारीख। ठीक है, तो दोस्तों इसका भी ऑर्डर हम आपको दिखाएंगे क्या आया है। जितनी चीजें आपको आ रही है दोस्तों सभी चीज की पूरी तरीके से आपको डीप स्टडी करके दिखाया जाएगा दोस्तों। तो इसके दौरान और क्या क्या अपडेट्स हैं, पहले दोस्तों सभी अपडेट्स को पढ़ लेते हैं। मेन हेडलाइंस क्या है कि शिक्षक भर्ती में संविधान के उल्लंघन पर सरकार से जवाब तलब, शासन को 8 सप्ताह का दिया समय। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बड़ी खबर क्या है आपके लिए, 12,460 29,334 गणित विज्ञान 32,022 अनुदेशक भर्ती और 4,000 उर्दू शिक्षक भर्ती पर रोक हटी। ठीक है दोस्तों, और सरकार को लगा करारा झटका, कोर्ट ने सरकार से 2 माह के भीतर प्रक्रिया पूर्ण कराने का दिया आदेश। उसके बाद दोस्तों आज की बड़ी खबर क्या है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों की क्यूरेटिव याचिका चीफ जस्टिस कोर्ट में सुनवाई के लिए लगी। तो दोस्तों जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये आज की बड़ी अपडेट्स हैं। तो दोस्तों चलिए सबका एक एक करके फुल टू फुल विश्लेषण किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात रही कट ऑफ को लेकर कि आपके फाइनल कट ऑफ क्या आने वाला है 29 तारीख को। ये डेट आपको दोस्तों स्क्रीन पर हाईलाइट हो रही होगी, 29 मार्च दिन बुधवार। ठीक है, सॉरी 29 मार्च को होगा आपका शुक्रवार, फ्राइडे होगा, आज है ना बुधवार, तो 29 मार्च को आपका फ्राइडे होने वाला है। तो आप लोग के अंदर एक सवाल और रहेगा कि हर बड़े जो ऑर्डर रिजर्व भी आपका शुक्रवार को हुआ था और ऑर्डर शुक्रवार को आ भी रहा है। देखिए इसकी 2 बड़ी वजह क्यों होती है, क्या होती है? पहली बड़ी वजह दोस्तों ये होती है कि इसके बाद अगर किसी भी प्रकार का संवाद या कुछ भी हो तो आपके पास 2 दिन का सोचने का समय होता है, सैटरडे और संडे, और इस 2 दिन के बीच आप कुछ कर भी नहीं सकते। और एक बड़े सवाल सभी के मन में ये उठ रहा होगा, क्या 29 तारीख को जो ऑर्डर आने वाला है उसके बाद क्या तुरंत रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा परिणाम? जैसा कि पहले चर्चा में ये न्यूज आ चुकी है कि जैसे ही ऑर्डर आएगा उसके कुछ ही देर में या कुछ ही घंटों के भीतर उसकी आपकी ऑफिशियल जो रिवाइज आंसर की आने वाली दोस्तों वो जारी कर दी जाएगी क्या? तो अब दोस्तों ये सवाल बड़ा रहेगा आपके लिए, क्या रिवाइज आंसर की तुरंत आने वाली है? और दूसरा सवाल दोस्तों ये होने वाला है कि आपका रिजल्ट क्या 24 घंटे के अंदर या संडे तक, मैक्स टू मैक्स 31 तारीख तक क्या जारी कर दिया जाएगा? देखिए ये 2-3 बड़े सवाल है दोस्तों जो आपके मन में उठ रहे होंगे। तो दोस्तों इसका आंसर है हाँ, जी हाँ दोस्तों इसका आंसर यस है। अगर दोस्तों सब कुछ सही रहा, ऑर्डर में सब कुछ फेवर में आया, अगर आपका ऑर्डर 60-65 के पक्ष में आता है ठीक है, तो आपका रिवाइज आंसर की तुरंत जारी कर आपका रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। इसकी बड़ी वजह यह है दोस्तों कि आपकी आचार संहिता में किसी भी प्रकार को रिजल्ट को रोकने का संविधान नहीं है, प्रावधान नहीं है, तो रिजल्ट तो आ सकता है ठीक है। उसके बाद रही भर्ती की, जैसा कि हमने पहले भी बोला, अगर सरकार चुनाव आयोग से परमिशन लेती है कि इस भर्ती को पूरी तरीके से संपन्न कराई जाए तो कराई जा सकती है, बस वहां पर किसी भी प्रकार का हिंसा कुछ ना हो। कि काफी बच्चे हो सकता है दोस्तों अगर आपका ऑर्डर 60-65 के विपक्ष में आता है तो कुछ हो सकता है कि बच्चे स्ट्राइक करें या कुछ भी करें, तो ये आचार संहिता के दौरान नहीं की जा सकती, तो उसको देखकर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों जो ये दूसरी न्यूज आपने पढ़ा कि 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द कराने वाले केस की सुनवाई का ऑर्डर आया 4 अप्रैल अगली तारीख, तो चलिए देखते हैं इसका ऑर्डर क्या आया था। तो दोस्तों देखिए आपके सामने ऑर्डर शो हो रहा है, केस सर्विस सिंगल 8082102019 ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर एक ऑर्डर शो हो रहा है, जो ऑर्डर किसके पक्ष में था, क्या क्या था मैटर पूरा, कि 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द कराने वाले केस की सुनवाई का ऑर्डर है दोस्तों ये ठीक है। तो ये आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो दोस्तों जो आपके अभी 69,000 शिक्षक भर्ती का भी ऑर्डर आने वाला है ना,
कि कट ऑफ को लेकर कि क्या कट ऑफ आने वाला है, तो वो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही कुछ आने वाला है, तो कुछ लाइन चेंज हो जाएंगे और आएगा ऐसा ही, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों इसको वीडियो को रोक के आप लोग पढ़ सकते हैं पूरा ऑर्डर क्या है। तो हमने सोचा कि आप लोग काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि सर ऑर्डर कैसा आता है, कैसे दिखने में होता है, तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ आने वाला है आपके स्क्रीन पर शो होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पर YouTube का लिंक भी दे रखा गया है, तो और कुछ भी है, सब लोग आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों जो आपको 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर आएगा दोस्तों, उसको भी हम आपको डायरेक्ट ऐसे ही लाइव शो करेंगे YouTube पर ही कि क्या ऑर्डर आया और क्या आपके फेवर में है या नहीं। तो दोस्तों आप एक एक लाइन इसको पढ़ सकते हैं, आप उसका कंक्लूजन निकालेंगे। तो फिलहाल दोस्तों ऐसे ही ऑर्डर्स आते रहेंगे। और इसके बाद दोस्तों आपका ये एक बड़ा क्वेश्चन था सभी बच्चों कि जो शिक्षक भर्ती में संविधान के उल्लंघन पर सरकार से जवाब तलब, शासन को 8 सप्ताह का दिया गया समय। तो दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं है, शासन को वो टाइम दिया जाता रहता है, लेकिन हाँ जो ये संविधान के साथ उल्लंघन किया गया है ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। तो आपके मन में एक और बड़ा सवाल उठ रहा होगा कि ये जो आज का आपने देखा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों की क्यूरेटिव याचिका चीफ जस्टिस कोर्ट में सुनवाई के लिए लगी, ये क्या चीज है दोस्तों? चलिए इसको भी आपको पहले स्क्रीन पर शो करते हैं क्या चीज है ये। तो दोस्तों चलिए पढ़ लेते हैं क्या थी पूरी क्यूरेटिव याचिका, कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों की क्यूरेटिव याचिका चीफ जस्टिस कोर्ट में सुनवाई के लिए लगी, ठीक है। आज 27 मार्च को शिक्षा मित्रों की तरफ से वर्ष 2018 में रजिस्टर्ड हुई 5 क्यूरेटिव याचिकाओं की सुनवाई आज अपराह्न 1:40 पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के चैम्बर में होगी, जिसमें रंजन गोगोई, माननीय चीफ जस्टिस एस बोबडे और अन्य रहेंगे दोस्तों, ठीक है। इन 5 क्यूरेटिव की सुनवाई चैम्बर में होगी। क्या मामला था, वर्ष 2019 में रजिस्टर्ड हुई, अभी तक एक भी याचिका इस लिस्ट में नहीं लगी। इस साल करीब 5 याचिकाएं रजिस्टर्ड हुई है। टीम रिजवान अंसारी की तरफ से योजित क्यूरेटिव भी सभी 2019 में ही रजिस्टर्ड हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने वर्ष वाइज क्यूरेटिव लिस्टेड की है, इसलिए टीम रिजवान अंसारी सहित अभी करीब 4 याचिकाएं आज सुनवाई के लिए नहीं लिस्टेड हो पाई। यदि आज चैम्बर में क्यूरेटिव एक्सेप्ट होती है तो ही ओपन कोर्ट में हियरिंग आएगी, अन्यथा खारिज होने की प्रबल संभावना है। यदि ओपन हियरिंग में ये याचिका लिस्टेड हो गई तो टीम रिजवान अंसारी शिक्षा मित्रों की जीत के लिए जी जान लगाकर एक बार फिर लड़ने को तैयारी कर बैठेंगे, ठीक है। अगर ये 5 याचिकाएं आज खारिज होती हैं तो इसी के आधार पर अब तक फाइल हुई समस्त क्यूरेटिव खारिज हो जाएंगी, इसलिए क्यूरेटिव से आप लोग ज़्यादा आशा ना ही लगाएं तो बेहतर है। आप सभी ईश्वर से विनती करें कि आप सब अच्छा हो, ठीक है दोस्तों। तो ये रहे क्यूरेटिव के बारे में जानकारी, और सब कुछ हम जानते हैं दोस्तों। तो छोड़िए और सभी बातों को, आप सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय हमारे लिए है कि आपकी 29 मार्च को ऑर्डर क्या आने वाला है दोस्तों। तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा यहाँ पर, क्या वो महत्वपूर्ण बात है, अगर 29 मार्च को ऑर्डर 60-65 के पक्ष में आया तो भी आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा, अगर आपका फैसला 40 और 45 के पक्ष में आया तो भी रिजल्ट घोषित किया जाएगा, या अगर आपका कट ऑफ शून्य किया जाएगा तो भी रिजल्ट घोषित किया जाएगा, मतलब परिणाम आपकी किसी भी स्थिति में रोका नहीं जाएगा। शुक्रवार को ऑर्डर जारी करने का एक बड़ा फायदा ये होगा दोस्तों कि आपका 2 दिन कोर्ट बंद होने वाला है, सैटरडे और संडे 2 दिन की छुट्टी होगी, तो 2 दिन में दोस्तों आप लोग का रिजल्ट आसानी से जारी किया जा सकता है। तो हो सकता है दोस्तों कि इन 2 दिनों में आपका रिजल्ट भी आ जाए, जिससे कि आप लोगों की आगे की दिशा निर्देश पूरी तरीके से जारी किया जा सके कि हाँ अब क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों जिन बच्चों ने काफ़ी दिनों से रिजल्ट का वेट किया, इंतज़ार किया, तो शायद वो घड़ी अब आ चुकी है और आपका रिजल्ट 30 या 31 में जारी किया जा सकता है दोस्तों। लेकिन बस अब ये देखने वाली बात होगी कि ऑर्डर में आया क्या है, क्योंकि वो ऑफिशियल ऑर्डर है, ठीक है। अभी तक सभी ने कई तरह के मतलब निष्कर्ष निकाले कि ऑर्डर ये हो सकता है, ऑर्डर वो हो सकता है, लेकिन अब तो आपका थोड़ा सा समय की दोस्तों बात है कि जब आपका ऑफिशियल ऑर्डर आपको पता चल जाएगा। बस एक दिन की बात और रही, कल का दिन अब बिताना है, 28 मार्च जैसे ही कल बीतेगा बस दोस्तों 29 तारीख को सुबह ही आपको एक गुड न्यूज मिलने वाली है। तो देखते हैं कि कितने बच्चों की वो गुड न्यूज गुड होगी। देखिए कोई भी खबर जो आती है दोस्तों वो सभी के लिए अच्छी नहीं होती,
तो लेकिन उम्मीद की जाएगी दोस्तों अधिक से अधिक बच्चों के लिए वो खबर अच्छी होगी। तो दोस्तों उन अधिक बच्चों में क्या आप सम्मिलित होंगे, ये आपके लिए बड़ी खबर होगी। तो इंतजार रखिए दोस्तों, सुबह 10:15 पर हमारे साथ बनना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया तो उसको कर लीजिए, क्योंकि हम उस दिन सुबह 10 बजे से ही लाइव होगी आपके साथ। तो दोस्तों आप हमारे साथ लाइव होना मत भूलिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई भी खबर आपसे छूटे ना। तो दोस्तों बस थोड़े से इंतजार के बाद मिलते हैं, और जितनी भी बड़ी खबर बड़ी अपडेट्स आएंगी दोस्तों सभी अपडेट्स आप तक पहुंचेंगी। तो चलते चलते आप लोग सोच रहे होंगे सर थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए कि फाइनल कट ऑफ क्या आने वाली है। तो फाइनल कट ऑफ दोस्तों देख लीजिए, काफी निष्कर्ष लगाए गए कि किस पक्ष में आ सकता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि सरकार ये बोल रही थी कि अभी आपका खेल शुरू नहीं हुआ है, तो खेल के दौरान आपके नियम चेंज नहीं होते, लेकिन सरकार ने कहा खेल ही शुरू नहीं हुआ तो नियम तो चेंज किए जा सकते हैं। तो उसके आधार पर आपकी कट ऑफ को 60% रखा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि अगर सरकार की ये बात सही है तो ही बीएड के बच्चे इसमें एंट्री कर पाएंगे, क्योंकि बीएड का भी जो कानून बना था वो आपको पता है कि बाद में पारित हुआ है। तो सब कुछ मिला जुला के दोस्तों जो भी आपकी खबर आएगी, जो भी फैसला आएगा आपके पक्ष में ही आएगा, ठीक है। जो भी फैसला आएगा दोस्तों अधिकांश बच्चों के पक्ष में होगा, हाँ लेकिन देखिएगा वन साइडेड फैसला नहीं आएगा। कट ऑफ कुछ कम होगी, कितनी कम होगी ये तो बाद की बात रहेगी दोस्तों, लेकिन एक याद रखिए एक तरफा फैसला नहीं आएगा, ठीक है। तो हम अगली वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और रात 9 बजे हमसे जुड़ना ना भूलिएगा दोस्तों और खबरों के साथ। तो आज रात को 9 बजे मिलते हैं, ठीक है, रात 9 बजे। फिर तक तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, हैव अ नाइस डे या गुड।